बैक टू द चैनल और फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। और चलिए आज हम चलते हैं ऐसा जगह पे जहाँ की चिल करने के लिए बहुत ही शानदार जगह है, और चलिए वहाँ पे आप सबको घुमाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। जैसा कि हम बोले थे कि उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ के चिल करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था है और जो भी उसको बोला जाए, चलिए तो देखते हैं क्या है। और ये है, इसका ही नाम है इको पार्क, और चलिए हम इसके अंदर में जाके देखते हैं क्या क्या। देखिए यहाँ पे है वो इको पार्क का एंट्री, और फिर चलिए तो हम अब इसके अंदर आ चुके हैं और चलते दिखाते हैं कि इसके अंदर अब क्या ऐसा क्या चीज है जो लोगों को अट्रैक्टिव करता है यहाँ पे आने के लिए। और चलिए तो फिर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं। अभी आ गए इको पार्क के अंदर, और चलिए हम दिखाते हैं कि इको पार्क में बहुत ऐसा चीज है जो कि चिल किया जा सके। और यदि आप कपल है या मैरिज है या अनमैरिज है, कुछ भी हो, लेकिन चिल करने के लिए जो इको पार्क है बहुत ही अच्छा जगह है। और यदि बच्चा है तो बच्चा के लिए भी कुछ झूला वगैरह भी लगाया गया है। और ये है वो व्यू इको पार्क का, और चलिए हम इसके अंदर और कुछ बहुत सारा कुछ है जो कि बहुत ही अच्छा व्यू है इस पार्क का। और चलिए हम इस पार्क में और कुछ दिखाएंगे आप सबको, जैसा कि इस पार्क में यही तो यूनिक है जो कि इस पार्क में घास का हमेशा कटिंग भी होता रहता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा घास नहीं जमता है। और यहाँ पे इसी मतलब कि आदमी यदि कोई कपल आए तो इसमें बैठ के चिल कर सकता है। तो बोला कि इसमें बच्चे के लिए भी पार्क है, मतलब बच्चे के लिए भी झूला वगैरह लगाया गया है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यवस्था है। बड़ा हो या बच्चा हो सबके लिए इसमें बहुत ही शानदार व्यवस्था है। जैसे कि बच्चा है तो बच्चा इसमें आगे खेल सकता है, और आप कहीं जाके बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं या कहीं जाके चिल कर सकते हैं। आप इस पार्क में आए हैं और चिल कर रहे हैं, यदि आपको भूख लगती है तो इसमें कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है, और ये है वो कैंटीन। जैसा कि इसमें इस इको पार्क में दो तालाब है, और इसमें सिर्फ ये बैलून है जो राउंड राउंड घूमता है, और इसके उस साइड में भी एक तालाब है। और चलिए तो हम इस तालाब के पीछे वाला व्यू देखते हैं इसके बगल में। है वो तालाब जो अभी हम दिखाए कि जो कि बैलून को इस तालाब इसमें दो तरह से तालाब है जो कि इसमें, और ये जो तालाब है उसमें सिर्फ आपको सिर्फ ये झरना और इधर जो है बैलून ही देखने को मिलेगा, और इसके बगल में एक और तालाब है उसमें आपको नाव वगैरह बोटिंग वगैरह करने को मिलता है। और चलिए हम उस तालाब की तरफ चलते हैं जहाँ पे नाव या बोटिंग वाला दिया हुआ है। देखिए ये बिहार सरकार के थ्रू कुछ बना हुआ है जो इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा है। गए हैं
अभी जगह पे जहाँ पे हमको बहुत देर से इंतजार था। और इस पार्क में, इस पार्क का वो भी एक यूनिक ही है, जो कि ऐसा चीज जो कहीं पटना में कहीं पार्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो है ऐसा है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और चलिए तो इसके दिखाते हैं कि वो क्या चीज है जो बहुत देर से इंतजार में थे कि कब वो चीज हमको देखने को मिले, और चलिए वो आ ही गया है। तो दो यहाँ का ये गुफा है, और इसके अंदर में जाके ये जो पार्क है, इको पार्क, इस दो पार्ट में बांटा हुआ है। और एक पार्ट ये रहा जो कि अभी तक हम आप सबको दिखा है, वो लिप्स बनाया हुआ है। और इधर एक, इधर भी एक तालाब है जो कि बैलून वगैरह है, और उधर बच्चों के खेलने का पार्क है। तो चलिए तो इसके बाद क्या है और इसके आगे, इसके दूसरे पार्ट में क्या है, हम उस पार्ट में अब जाके आप सबको दिखाते हैं कि क्या है अब उस पार्ट में। चलिए तो अभी आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिया है या स्क्रीन पे चल रहा है। तो चलिए हम अभी चल रहे हैं उस जगह पे, इसके दूसरे पार्ट में, जो इसको दूसरे पार्ट, इको पार्क के दूसरे पार्ट में ले जाता है। और फिर इसके जाने का दो रास्ता है, चलिए तो ये है एक रास्ता, और दूसरे रास्ते को भी हम आप सबको दिखा देंगे। ये है दूसरा रास्ता, और ये है स्लोप वाला, और इधर है सीढ़ी वाला। ये है वो गुफा जो इसके ऊपर में गाड़ी चलती है और नीचे में आदमी, जैसे कि इस पार्क को इसी डिजाइन से कटिंग करके बनाया गया है कि ये दूसरा पार्ट उधर अब जहाँ जा रहे हैं वो दूसरा पार्ट है, और जो अभी तक दिखा दिए वो फर्स्ट पार्ट था। और इसके ऊपर में गाड़ी वगैरह चलती है, और नीचे में इको पार्क का जो गुफा है वो जाती है। ये गुफा अपने में अलग एक प्रकार का इस पार्क का व्यू, खूबसूरती बढ़ा देता है। तो चलिए हम इस गुफा को क्रॉस करके और उसके दूसरे पार्ट में क्या है वो हम आप सबको दिखाने का कोशिश करते हैं। ये है गौतम बुद्ध का जीवन चक्र, और देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कब और कहाँ से शुरू हुआ था, और कहाँ से चालू हो गए, और क्या क्या किए थे गौतम बुद्ध ने। भगवान जो इसमें है दिल लिखा हुआ है और दिया हुआ है, तो आप सब देख सकते हैं। क्यों, ये है इको पार्क का दूसरा पार्ट, और चलिए तो इस दूसरे पार्ट में क्या क्या है सब आपको दिखाते हैं। और ये क्या क्या बना है ये तो हमको ही पता नहीं, यदि आप सबको पता हो तो जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या है